यदि आपके घुटनों में दर्द है तो वो दर्द मात्र 21 दिन में ख़त्म हो जाएगा। दोबारा बोलता हूँ, यदि आपके घुटनों में दर्द है तो वो दर्द मात्र 21 दिन में ख़त्म हो जाएगा। नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, जय सियाराम, जय गो माता की। आप सभी का स्वागत है आपके अपने गोवर्धन में। हम यहाँ जो जानकारी आपके साथ साझा करते हैं उसको पहले प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने पर अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आपके साथ साझा करते हैं। हम आज आपको बताएंगे एक ऐसे तेल के बारे में जिस तेल का प्रयोग करके यदि आपके घुटनों में चिकनाई जो है वो ख़त्म हो गई हो, घुटनों में गैप हो गया हो, घुटने की जो हड्डियां हैं वो आपस में रगड़ मारती हों, तो वो इस तेल का प्रयोग करने से मात्र 20 दिन प्रयोग कर लो आप, 21वें दिन आपका जो दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा। और एक खास बात इसकी ये है कि पहले दिन से ही आपको जो है ये आराम करना शुरू कर देगा। इसके लिए आपको करना क्या है, इस तेल के साथ साथ सबसे पहले आपको कब्ज नहीं होने देनी है, वायु को बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना है और ज़्यादा खुश्क, बासी, रूखा फास्ट फूड जो है नहीं लेना है। तो अब हम आते हैं हमारे इस नुस्खे पर। इस जो तेल हम बनाएंगे दर्द के लिए, जो पहले दिन में आपको आराम करे, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए 100 ग्राम भांग के पत्तों का रस, 100 ग्राम धतूरा का रस, 100 ग्राम अरंडी का रस, 100 ml भी ले सकते हो आप, और 100 ग्राम निर्गुंडी का रस, 100 ग्राम गोमूत्र, और इसके साथ में जो है 500 ग्राम यानी आधा किलो या आधा लीटर, अगर आप वो तेल लीटर में लेते हो तो बाकी सामग्री भी लीटर में लेनी है, ठीक है। आधा लीटर जो है आप तेल ले लिया, अब इसको जो है उबालना है। जब तक उबालना है, जब तक आपके जो तेल के अंदर बुलबुले उठ रहे थे वो बुलबुले बंद ना हो जाए और तेल शांत ना हो जाए। यदि ऐसा होता है, तेल शांत हो जाता है, तो उस तेल के अंदर एक कागज़ का टुकड़ा लो, उस पर आग लगाओ, अगर उसको थोड़ा कान के पास ले आओ, अगर वो चरण चरण की आवाज़ करता है तो समझ लो तेल अभी तैयार नहीं है, और अगर तेल शांति से जल रहा है तो तेल आपका तैयार है। उस तेल को नीचे उतारो, ठंडा करो, छान लो यदि कुछ उसके अंदर है तो, फिर जो है एक कांच के बर्तन में डालो ठंडा करके। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको तीन चीज़ें और लेकर के आनी है किसी भी पंसारी के यहाँ से। लगभग जो है 15 ग्राम ले आओ भीम सैनी कपूर, 15 ग्राम अजवाइन सत और 15 ग्राम पुदीना सत। इन तीनों चीज़ों को एक कांच की छोटी सी डब्बी या बोतल में रख दो, हिला करके डाल करके, और फिर जो है लगभग अगले दिन इस तेल के अंदर मिला दो। अब आपका दर्द का तेल तैयार है। अब इस तेल का हर रोज़ जो है 10 ml तेल, हर रोज़ 10 ml तेल आपको अपने घुटने के ऊपर मालिश के रूप में लगाना है। यदि आप 10 बजे शुरू करते हो तो 10:05 पे आपके घुटने का जो दर्द है वो 50% ठीक हो जाएगा, यानी 5 मिनट में आपका दर्द जो है 50% ख़त्म हो जाएगा बिना किसी दवा के सेवन के। और ये प्रक्रिया आप 21 दिन तक सुबह और शाम दोहरा दो, 21 दिन में आपके घुटनों में होने वाला जो दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा। हम आगे भी आपके साथ ऐसी जानकारी साझा करते रहेंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें।